मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट, इंटीजर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 11। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज। इट मीन्स हमें स्टेटमेंट गिवन है और ब्लैंक्स को फिल करना है और प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना है। फर्स्ट, -3 + -4 इज इक्वल टू -+-3। अब यहाँ पर हमें क्या फिल करना है कि हमारी दोनों साइड इक्वल आए। इज इक्वल टू कि इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इज इक्वल टू कि इस साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड में हम क्या फिल करें कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आए। अंडरस्टैंड है, -3 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, -4 यहाँ पर है तो यहाँ मिसिंग है। तो इट मीन्स यहाँ हमारा क्या आएगा, -4। तो यहाँ हम -4 फिल करेंगे और इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट, 6+-6। यहाँ हम क्या फिल करें कि दोनों साइड इक्वल आए। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यह तो पहले से ही इक्वल है। तो हमें यहाँ एक ऐसी डिजिट या ऐसा इंटीजर लिखना है जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अंडरस्टैंड है कि यहाँ 0 ही आएगा क्योंकि 6 में 0 प्लस करने पर वो 6 ही रहेगा और यहाँ ऑलरेडी 6 है ही, तो यहाँ हम 0 फिल करेंगे और इस प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट, 4+-5+6 इज इक्वल टू 4+6+-। अब यहाँ पर 4 यहाँ है तो यहाँ भी है, 6 यहाँ है तो यहाँ भी है। यहाँ पर -5 है बट यहाँ -5 मिसिंग है, तो इट मीन्स यहाँ हमारा क्या आएगा, -5। फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ हम -5 फिल करेंगे। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट, 7+-7 इज इक्वल टू -। 7+-, अगर हम प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे तो ये 7+--7, 7 में से 7 गया 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखें कि ये दोनों सेम हो जाएं। जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है 7 में से 7 माइनस होने के बाद, तो अंडरस्टैंड है यहाँ पर भी हम 0 लिखेंगे तभी तो दोनों साइड सेम होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए। तो यहाँ हम 0 फिल करेंगे और इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, 5+- इज इक्वल टू 0। यहाँ 5 है और यहाँ डैश है और यहाँ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्या फिल करें कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारा 0 आए, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी 0 है। तो 5+, अंडरस्टैंड है यहाँ पर हम -5 फिल करेंगे क्योंकि प्लस माइनस -5, 5 में से 5 गया 0, तभी तो हमारी ये दोनों साइड इक्वल आएगी। तो यहाँ हम -5 फिल करेंगे क्योंकि प्लस माइनस -5 होगा और 5 में से 5 गया 0, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई और इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। फिल ईच बॉक्स विद अ करेक्ट इंटीजर। फर्स्ट, 9-- इज इक्वल टू 11। अब इस बॉक्स में हम क्या फिल करें कि ये दोनों सेम हो जाए। इट मीन्स यहाँ पर हमें एक ऐसा इंटीजर या एक ऐसी डिजिट फिल करनी है जिसको सॉल्व करने के बाद 11 आए। तो अंडरस्टैंड है या माइनस है, तो यहाँ हमें एक ऐसी डिजिट फिल करनी है जो माइनस में हो, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और 9 और उसमें वो डिजिट प्लस करने के बाद 11 बन जाए। तो यहाँ हम -2 फिल करेंगे क्योंकि 9-+2 और 9 और 2 11, और ये भी हमारी 11 है, तो यहाँ पर हमारा -2 आएगा। नेक्स्ट, -14+- इज इक्वल टू 22। अब हम इस बॉक्स में क्या फिल करें कि वो सॉल्व करने के बाद 22 आए। अंडरस्टैंड है या -14 है, तो यहाँ हमें एक ऐसी डिजिट फिल करनी है जो प्लस की हो
और जिसमें से अगर हम -14 को माइनस करें तो वो 22 बन जाए, तो ऐसी डिजिट हमारी 36 ही हैं, क्योंकि 36 में से जब हम -14 करेंगे तो वो 22 ही आएगा। नेक्स्ट, 6 माइनस -5 प्लस डैश इज इक्वल टू 9। 6 माइनस माइनस प्लस 5, 6 और 5 11 आ गया। अब यहाँ हम क्या फिल करें कि उसको सॉल्व करने के बाद 9 आए, तो अंडरस्टैंड है जब हम 11 में से 2 माइनस करेंगे तभी 9 आएगा, और यहाँ प्लस का सिंबल है तो हमें तो माइनस करना है, तो यहाँ हम प्लस 2 की बजाय -2 फिल करेंगे, तभी तो 11 में से -2 करने पर 9 आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, -1 माइनस डैश इज इक्वल टू 9। -1 और ये भी माइनस, यहाँ हमें एक ऐसी डिजिट फिल करनी है जो माइनस माइनस करने पे प्लस हो जाएगी और उसमें से 1 माइनस करने पर वो 9 आ जाएगी, तो अंडरस्टैंड है वो डिजिट -10 है, क्योंकि -1 माइनस माइनस प्लस 10 और 10 में से 1 गया 9। क्वेश्चन नंबर 13, यूज दिस दिस और इज इक्वल टू मेक द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। दिस सिंबल मीन्स ये ओपन हम उस डिजिट की तरफ करते हैं जो डिजिट हमारी बड़ी होती है। इट मीन्स हमें एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और एक तरफ राइट हैंड साइड, तो दोनों में से जो डिजिट हमारी बड़ी होगी उसकी तरफ ये ओपन होगा और जो डिजिट हमारी छोटी होगी उसकी तरफ ये क्लोज होगा। इस वाले सिंबल को ग्रेटर देन बोलते हैं और इसको लेस देन। ग्रेटर देन ये सिंबल है, लेस देन ये सिंबल है, और ये हमारा इज इक्वल टू है। देखो, फर्स्ट पार्ट -5 प्लस 10 डैश -5 प्लस -4। अब इसको हम सोल्व करेंगे तब इन दोनों सिंबल के बारे में डिफरेंशिएट पता चलेगा। -5 प्लस 10 डैश -5 प्लस माइनस -4, 10 में से 5 गया 5 डैश माइनस माइनस प्लस बट सिंबल माइनस का। अब इन दोनों में से हमारा कौन सा बड़ा है, अंडरस्टैंड है पॉजिटिव बड़ा होता है कंपेयर टू नेगेटिव। 9 हमारा नेगेटिव है, 5 हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल माना जाता है और प्लस का सिंबल पॉजिटिव होता है और वो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, तो 5 हमारा बड़ा है और 9 हमारा छोटा है, तो ये वाला सिंबल आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट के तरफ हमेशा ओपन वाला सिंबल आता है और छोटी डिजिट की तरफ या छोटे इंटीजर की तरफ हमेशा क्लोज वाला सिंबल आता है। नेक्स्ट, -29 प्लस 75 डैश 75 प्लस -29। अब यहाँ पर भी -29, यहाँ पर भी -29, यहाँ पर भी 75, यहाँ पर भी 75। इट मीन्स इन दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये दोनों सेम आएगा, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। इज इक्वल टू के सिंबल का मतलब होता है जो दोनों साइड सेम होती है तब ये सिंबल अप्लाई किया जाता है। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है तो इसलिए मैंने इज इक्वल टू का सिंबल अप्लाई किया है, और इस सिंबल का मतलब होता है कि जो हमारी डिजिट या इंटीजर बड़ा होता है ग्रेटर होता है उसकी तरफ ओपन वाला होता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ क्लोज वाला, बट इस सिंबल को ग्रेटर देन बोलते हैं और इसको लेस देन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -30 इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज 15, डिटरमाइन द अदर। इट मीन्स टू इंटीजर्स का सम -30 है, अगर वन इंटीजर 15 है तो अदर इंटीजर्स फाइंड करना है। इन क्वेश्चंस में जो हमें फाइंड करना होता है वो हमेशा लेट करते हैं, तो सॉल्यूशन में लेट द अदर इंटीजर बी x, हमें अदर इंटीजर फाइंड करना है तो अदर इंटीजर को हम x लेट करेंगे। वन इंटीजर्स इज इक्वल टू 15 गिवन है, वन इंटीजर हमें 15 गिवन है तो हमने लिखा है वन इंटीजर्स इज इक्वल टू 15 गिवन। अब इन दोनों इंटीजर्स का सम
-30 गिवन है, तो यहाँ हम 15 प्लस एक्स लिखेंगे। 15 हमारा वन इंटीजर है, एक्स हमारा अदर इंटीजर है, और इन दोनों इंटीजर का सम, सम मीन्स प्लस इज इक्वल टू -30 है। जो भी चीज़ हमें गिवन होती है ना, जैसे ऐसे कि फर्स्ट और सेकंड इंटीजर का सम -30 है, तो -30 है या 24 है वो हमेशा इज इक्वल टू में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू -30। एक्स का एक्स ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस बट सिंबल माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -13 इज -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -13, ए और -13 का डिफरेंस -4 है और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ इंटीजर ए एंड -13 इज इक्वल टू -4। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब दो इंटीजर का सम या डिफरेंस गिवन होता है तो उसको इज इक्वल टू में लेते हैं, तो हमें दो डिफरेंस का, तो हमें यहाँ पे दो इंटीजर का डिफरेंस -4 गिवन है, तो -4 को इज इक्वल टू में लिखेंगे। तो ए डिफरेंस मीन्स माइनस, -13 एज इट इज इक्वल टू -4, ए माइनस माइनस प्लस 13 इज इक्वल टू -4 एज इट इज। ए ये प्लस है तो इधर आके माइनस, माइनस माइनस प्लस बट सिंबल माइनस का। थैंक यू स्टूडेंट्स।